जो विधायी की अनुभव विधानसभा का बहुत लंबा नहीं है, लेकिन अब यह जरूरी है कि जो अस्थाई तौर पर विधानसभा सचिवालय कार्यपालिका व्यवस्था और जो हम लोगों के कार्यपालिका सचिवालय है, इन दोनों के बीच एक बेहतर समन्वय और बेहतर तालमेल के साथ काम करे, हम जनप्रतिनिधि चुनाव जीत के आते हैं, सरकार बनाते हैं, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं हैं जो अस्थाई रूप से काम करती है। सरकार किनकी बनती है नहीं बनती है, मुझे लगता है इससे इसकी बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता, ये जो अस्थाई संस्थाएं हैं इनको करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार समन्वय स्थापित नहीं होने की वजह से हम लोगों ने यह महसूस किया कि कहीं ना कहीं विधानसभा सचिवालय और कार्यपालिका के बीच में और कार्यपालिका के अंतर्गत करने वाला काम जो सचिवालय है उनके बीच में समन्वय का अभाव देखने को मिलता है, जिससे कभी कभी विधानसभा के अंदर कई सारे सवाल उठ खड़े होते हैं। इन सब को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम सभी का सामूहिक दायित्व है। और मुझे लगता है कि वर्तमान में तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से निरंतर बड़ी तेजी से नए नए कानून में बदलाव होते हैं, नए नए संशोधन होते हैं, ऐसी परिस्थिति में विशेष परिस्थिति में अध्यादेश को भी अपनाना पड़ता है, लेकिन इसकी जो मूल आत्मा हमारा इस लोकतांत्रिक देश का जो भावना है, जो संविधान में पहले से ही निहित है कि देश कैसे चलेगा, राज्य कैसे चलेगा, विधानसभा कैसे कार्य करेंगे, कार्यपालिका कैसे काम करेंगे, ये लगभग सारे चीजें निहित है। लेकिन लंबे समय तक अगर इन विषयों को पुनः एक बार रिवाइज नहीं किया जाए, उसको एक बार रिविजिट नहीं किया जाए, तो बहुत सारी चीजें अलग अलग दिशा में अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या कर दिशा बदलने लगता है।
इसलिए ये जरूरी है कि समय समय पर इन सब चीजों पर विचार हो, संगोष्ठी हो, हमने ये अनुभव किया है कि कई जगहों पर कई पदाधिकारी, कई राजनेता, कई मंत्री एक ही विषय को देखने का उनका अलग अलग नजरिया देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में किस विषय पर आगे चला जाए ये तो सुनिश्चित करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये जो कार्यक्रम है ये कार्यक्रम आने वाले समय में बेहतर तरीके से विधानसभा संचालन हो, उसमें के पटल पे जो भी चीजें रखी जाएंगी सभी चीजें बिल्कुल नियम संगत चीजें रखी जाए। मैं आज के इस विषय पर तो बहुत अपनी बातों को रख नहीं पाऊंगा क्योंकि ये कार्यक्रम विशेष रूप से हम लोगों के सचिवालयों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और जरूर आज के इस कार्यक्रम के विषय जब कम पूरी होंगी या जब प्रशिक्षण कार्य पूरा होगा तो इस पर इससे क्या बात छन के आती है उसको जरूर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो आज मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को कि आज झारखंड विधानसभा की तरफ से और आदरणीय रविन्द्रनाथ महतो जी विधानसभा अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने एक महत्वपूर्ण विषय को चुना और देश के महत्वपूर्ण पदों में रहे हुए लोगों को, कार्य कर रहे हैं लोगों को आप लोगों ने आमंत्रित किया है और हम चाहेंगे कि सभी विभाग जो हमारे सरकारी विभाग हैं जहां से प्रश्नों के उत्तर आते हैं, नए कानून बनाते हैं, विधेयक बनता है, ये सभी चीजों को भी बहुत गंभीरता से देखा जाए। छोटी छोटी चीजों को लेकर अगर विधेयक या कानून पास नहीं हो पाता है तो यह भी चिंता की बात हो जाती है और इससे जुड़ी विषय हमारे इन सबसे ऊपर जो हमारे बीच जिनके आदेशानुसार सरकार, विधानसभा और राज्य चलता है वो महामहिम राज्यपाल महोदय। मुझे लगता है कि आज इस कार्यशाला में इन सभी को जोड़ते हुए इसका चिंतन मंथन यहां किया जाएगा क्योंकि महामहिम राज्यपाल महोदय का भी एक सचिवालय है। मुझे नहीं पता कि ये राज्यपाल महोदय के सचिवालय से लोग आमंत्रित हैं कि नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर वो भी
है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सारा एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाते हुए हम काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, पुनः मेरी ओर से शुभकामनाएं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।